बैक टू माई चैनल विच इज़ लिमिटलेस 13। मेरा नाम जस है। आज हम आपको बताएंगे कि हम घर पे ही कैसे बिना सांभर की इडली बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सो लेट स्टार्ट वीडियो। पहले तो हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम लोगों ने एक में तुमने दही रखा और एक में हमने रवा सूजी को बोलते हैं, हमने सूजी डाल ली है। उसके बाद उसका हाफ कप हमने दही डालना है एंड उसको मिक्सअप करना है, उसको मिक्सअप अच्छे से करना गाइस। उसके बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डालना है। पानी आप अपने हिसाब से डालते रहिएगा, उसकी कंसिस्टेंसी देख लेना एक बार, ना ही तो ये ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही तो ये ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट तक ढक के रख दिया था गाइस। 10 मिनट्स के बाद मैंने उसको हटाया तो इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला। आप चाहो तो इसमें इनो भी डाल सकते हो, मेरे पास इनो नहीं थी इसीलिए मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया इसमें। और फिर इसको अच्छे से मिक्सअप करना है हमने गाइस। आप लोग इनो या फिर बेकिंग सोडा को 10 मिनट के बाद ही डालना, क्योंकि उसी से ही हमारी जो इडली है वो स्पंजी बनेगी। अब ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, आप देख ही सकते हो इसको। बस थोड़ा सा अब इसमें पानी डालेंगे और इसको फिर से मिक्सअप करेंगे हम लोग। अब तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है गाइस। अब इसको हम लोग इसके प्लेट्स में डालेंगे। इसके प्लेट्स में डालने के लिए पहले हम लोग को उस प्लेट्स में तेल लगाना पड़ेगा। आप कुछ भी लगा सकते हो, तेल, बटर। बैटर को हम लोग इस प्लेट्स में डालेंगे और इसको ज़्यादा भरना मत, क्योंकि ये फुल जाएगी गाइस। अगर ये ज़्यादा बड़ी होगी तो टेस्टी नहीं बन पाएगी। फिर इसको हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। वैसे मैंने गाइस पहले से ही पानी रखा था बॉयल करने के लिए, और देख लेते हैं एक बार वो उबल चुका है या नहीं उबला है। पानी तो हमारा उबल ही गया है। अब हम इसमें इडली की प्लेट्स रख देंगे गाइस, और अब हम इसको 10 मिनट के बाद ही खोलेंगे। ये हमारी इडली तैयार हो चुकी है गाइस। अब हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये चिपक रही होगी तो नहीं हुई होगी। आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, और इसको चाकू या फिर किसी भी चम्मच की मदद से भी आप लोग इसको निकाल सकते हो। इसको ठंडा होने के बाद ही निकालना है कि ठंडा होने के बाद इजीली निकल जाता है। देखो गाइस ये कितनी स्पंजी बन रही है। अब मैं लगाऊंगी इडली को तड़का। मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, आप कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हो। मैं यूजली लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें आयरन होता है जो कि गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद मैंने एक बड़ा चम्मच ले लिया है मस्टर्ड सीड्स का। उसको अच्छी तरह भुनने देंगे पहले हम लोग, फिर उसमें डालेंगे अदरक। अदरक ऑप्शनल है, अगर आपका दिल है तो आप डालो, अदरवाइज आप लोग लहसुन भी डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने डाला है मसाले। मसाले ये मैंने घर पे ही बनाए हैं। अगर आप चाहते हो कि यहाँ इसकी वीडियो देखना तो फिर प्लीज़ कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो मसाले की लेके आऊँगी। और उसके बाद मैंने डाल दिया इडली। अब इडली को हम लोग मिक्स करेंगे। ये लो गाइस मेरी इडली तो हो गई है तैयार, तड़के वाली। इसे हम लोग बिना सांभर के भी खा सकते हैं चटनी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।